हे गाइस, तो बेसिकली हम इस चैनल पर ड्रैगन बॉल्स के बारे में बात करते हैं और उसकी सीरीज के बारे में बात करते हैं और मेरी जो खुद की स्टोरी चल रही है, जो मैं खुद से लिख रहा हूँ, उस बारे में बात करता हूँ। और मैंने काफी टाइम से इस चैनल पर वीडियो नहीं डाला है, लेकिन मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। खैर, मैं ट्राई करूंगा धीरे धीरे इस पे और भी अपडेट्स देने का। लेकिन फिलहाल गाइस, ड्रैगन बॉल से हट के आज हम कुछ बात करने वाले हैं। मैंने डीमन स्लेयर के लगभग सारे एपिसोड्स देखे हैं और उन सभी में से मुझे जो सबसे अच्छा लगा था वो था म्यूगन ट्रेन, और उसके बाद एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जो फाइट था वो तो बहुत ही जबरदस्त था। लेकिन अभी जो सीजन 3 आया है, उसके जो एपिसोड्स चल रहे हैं, उसका हाइप एकदम नेक्स्ट लेवल है। हर एक एपिसोड के एंड में ऐसा हाइप क्रिएट हो जाता है कि मन करता है कि दूसरा एपिसोड कब रिलीज होगा वो देख ले। देखो, बेसिकली मुझे डेमन स्लेयर के बारे में बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने मांगा पढ़ी है तो वो लोग को इस बारे में ज्यादा पता होगा। बट मैंने पहली बार योरीची को देखा और मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और मैं बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों से कंफ्यूज हूँ। क्योंकि जैसा सीजन 3 के एपिसोड्स चल रहे हैं, उसमें हमने देखा कि योरीची का जो स्वॉर्ड है वो काफी पुराना है, तो मतलब योरीची मर चुका है। लेकिन योरीची असल में है क्या, उसकी बैक स्टोरी क्या है, ये मुझे नहीं पता। जो मांगा पढ़ी होगी उन्हें हो सकता है पता होगा, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से भी बहुत लोग होंगे जिनको इस बारे में पता होगा। लेकिन मैं मांगा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मांगा पढ़ता नहीं हूँ और मुझे मांगा पढ़ना पसंद भी नहीं है, क्योंकि मैं एपिसोड को देखना पसंद करता हूँ, ना कि मांगा को पढ़ना। मुझे उसमें मजा नहीं आता जितना कि मुझे एनिमेशन देखने में मजा आता है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार अपर मून 1 को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार। कोकुशिबो की एंट्री पहली बार इतनी धासु थी ना, इतनी धासु एंट्री थी उसकी कि मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। योरीची को तो बहुत ही लाइटली दिखाया गया, वो तो तांजिरो एक सपना देख रहा था, उसी में थोड़ा सा दिखाया उसको। थोड़ी देर के लिए मैं भी हैरान था कि अच्छा ये है योरीची। बट यार, लेकिन कोकुशिबो और योरीची दोनों भाई हैं, तो आखिर कनेक्शन क्या, ये जिंदा है योरीची मर गया क्या, कुछ तो है जो कि मैं नहीं जानता। और क्यूरियोसिटी तो बहुत ज्यादा है इसे जानने की, लेकिन मैं मांगा फिर भी पढ़ना नहीं चाहता। मुझे पता है अगर मांगा पढ़ूंगा तो सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इस क्यूरियोसिटी को बना कर रखना चाहता हूँ। मैं एनिमे देखकर ही इस क्यूरियोसिटी को मिटाऊंगा। अभी तो फिलहाल लेटेस्ट एपिसोड में बहुत ही खतरनाक मोड़ आ चुका है। गेनिया एक डीमन बन गया है, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। उसे हम सभी लोग सीजन 1 से देख रहे हैं, अब वो अचानक से डीमन बन गया है, तो इसके आगे पता नहीं क्या होगा। तांजिरो उसे मारेगा कि नहीं मारेगा, आगे क्या होने वाला है। बहुत ही बैड मोमेंट पे फिनिश किया है, बहुत ही ज्यादा बैड मोमेंट पे। अब इसको देखकर हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई है कि आगे और क्या क्या होगा। फिलहाल तो मैं एपिसोड 6 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, देखता हूँ उसमें क्या होता है। मुझे पता है आप सभी लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। देखो, मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं डेमन स्लेयर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे बस वो एनिमे अच्छा लगता है तो मैं देखता हूँ, उसकी स्टोरी लाइन मुझे अच्छी लगती है तो मैं देखता हूँ, उसमें क्यूरियोसिटी है, सस्पेंस है, हाइप है, अच्छी स्टोरी है तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। बाकी उसका फिजिकल साइंस वगैरह क्या है मुझे इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस वो अच्छा लगता है तो मैं देखता हूँ। अब आगे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है, धीरे धीरे बाकी सब चीजें समझ में आ रही है, और जो मांगा रीडर्स होंगे वो तो सब कुछ पहले से ही जानते होंगे। सो गाइस, देखते हैं आखिरकार अगले एपिसोड में क्या होता है। मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है अगले एपिसोड का। तो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट संडे आखिर आगे क्या होने वाला है। इन सभी पर आप सबका क्या रिएक्शन है मुझे जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।